हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हमारा लॉग से। तो पहले एक फास्ट रिकॉल कर लेते हैं हमने कल क्या सीखा था। तो हमने देखा था कि लॉग को लिखते कैसे हैं। लॉग के सामने तो आता है उसका आर्ग्यूमेंट ए और इन दोनों के बीच में नीचे आता है बी। एक तो ये चीज़ देखी थी। इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। उसके बाद ए को क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। बी को क्या बोलते हैं हम, बेस। फिर हमने क्या देखा, ये एक नंबर था, क्या था, लेट से मैंने इसको बोला के, दिस इज अ नंबर के, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर b की पावर में लिखा तो आई गेट a। फिर उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा, ये एक नंबर है k जिसको b की पावर में लिखा तो आई गेट a, ठीक है। ये हमने कल देखा था। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉग को हटाना या फिर रिमूविंग ऑफ लॉग। दिस इज ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन एक ही चीज है, बस ये लॉग के टर्म्स है, ये एक्सपोनेंट के टर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसको मैंने लैंग्वेज फॉर्म में भी बोला था तुम लोगों को मेमोराइज करने को, क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर आरएचएस। फिर एक चीज और बोली थी कि यहां से यहां तो कन्वर्जन जनरली बच्चों को फास्ट हो जाता है बट उल्टा मुश्किल हो जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस रखेंगे हम। क्या बोलेंगे, अगर आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस लिखा है तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस is equal to RHS। तो वाई से बढ़ता होना चाहिए, इधर से इधर, इधर से इधर जाओ, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जैसे बेसिक डेफिनेशन से मान लो मुझे ये निकालना है log 32 to the base 2, तो कैसे निकालूंगा कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको 2 की पावर में लिखा या 2 के एक्सपोनेंट में लिखा तो आई शुड गेट 32। तो 2 की पावर में क्या लिखूं कि 32 आ जाए, 5, बिकॉज 2 raised to 5 32 होता है, hence this is 5। फिर मैंने बोला अगर मान लो ऐसे नहीं करना है तो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, लेट्स से दिस इज k। फिर ये वाला चीज लगाया, लॉग को हटाया, तो लॉग को कैसे हटाते, आर्गुमेंट को लिखते हैं, तो आर्गुमेंट क्या 32, तो इसको लिखा 32 इज इक्वल टू, फिर 2 उधर चला जाता है 2 की पावर में k। तो 32 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 और ये हो गया 2 की पावर k। तो इन दोनों से मेरा क्या आया, k इज इक्वल टू 5। तो ये इस पे डिस्कशन हो चुका था हमारा। फिर नेक्स्ट जो डिस्कशन था वो हमारा डोमेन पे था, कि डोमेन कैसे निकालते हैं। पहले बात लॉग a टू द बेस c को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो उस मैंने क्या बोला, लॉग a टू द बेस b के लिए तीन कंडीशन होती है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 1। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीस थ्री विल बी माय डोमेन, ठीक है। तो इसके बेस पे तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे बहुत छोटे वाले, आज हम थोड़े उनसे बेटर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उससे थोड़ा लेवल ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो कल का तो हमने ये सब देखा जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड डोमेन, तो पहला क्वेश्चन देखना, मैंने कहा लॉग ऑफ लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है मान लो मुझे, ठीक है। तो कैसे करें, तो कंडीशन क्या थी कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो आर्गुमेंट तो दिख रहा है इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या है हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि 2 में एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है और एक्स स्क्वायर क्या है, एक नॉन नेगेटिव थिंग है। तो 2 में कुछ मैं ऐड करूंगा विच इज नॉन नेगेटिव, द रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये जो मेरा आया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया, तो जो मैं लगाता था आर्ग्यूमेंट तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बेस पे, तो बेस भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 0 से तो बड़ा है। तो दो कंडीशंस में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कंडीशन 1 दैट इज आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन 2 दैट इज बेस ग्रेटर देन 0। अब आते हैं तीसरी कंडीशन जो जनरली बच्चे लोग भूल जाते हैं। देखो अगर मान लो मैं तीसरी कंडीशन नहीं लिखता, एक मिनट के लिए सोचना, अगर मैं तीसरी कंडीशन नहीं लिखूं, मैं इन दोनों के आधार पे अगर मैं आंसर बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, आर, आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज, क्यों, बिकॉज इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स कुछ भी रखूं मैं दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ भी मैं एक्स कुछ भी रखूं एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैंने केवल उन दो कंडीशंस को लिखा होता तो माय आंसर विल बी आर, बट एक्चुअली द आंसर इज नॉट आर, R से अलग है, क्यों, क्योंकि अभी हम थर्ड कंडीशन और देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या थी कि बेस, बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, और बेस क्या है मेरा x स्क्वायर प्लस 1, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो दिख रहा है 0 प्लस 1 1 हो जाएगा बेस, हेंस लॉग इज नॉट डिफाइंड। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज
एक्सेप्ट जीरो। जीरो मुझे हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जीरो पे क्या हो रहा है, बेस वन हो रहा है, एंड वन इज नॉट अलाउड इन द बेस ऑफ लॉग। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, देखना। सेकेंड इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एट टू द बेस एक्स माइनस टू। इसका मान लो मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो पहला कंडीशन, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इससे मेरा क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एट ग्रेटर देन जीरो। ये तो बहुत छोटा सा इनइक्वालिटी है, हमने तो बहुत हाई लेवल के इनइक्वालिटीज की है। इसमें क्या करते हैं, पहले रूट्स को लोकेट करते हैं, दिस इज वन, इसके राइट में एट आएगा, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें बोला ग्रेटर देन, तो इधर चला गया ये और ये इधर आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन एट टू इन्फिनिटी इज इसका आंसर, किसका, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो करने का। अभी ये मेरा फाइनल डोमेन नहीं है, दिस इज नॉट माई फाइनल डोमेन। अभी तो मुझे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स चाहिए, तो इसका मतलब जो बेस है उसको भी ग्रेटर देन जीरो करके कुछ एक्स आएंगे। फाइनली बेस नॉट इक्वल टू वन उसको करके भी आएंगे, उन तीनों का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर। तो सुनना, सो सेकेंड कंडीशन क्या है, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और बेस क्या है एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इधर से आया एक्स ग्रेटर देन टू। तो इसी के नीचे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखना x greater than 2, तो 2 मेरा ये रहा, ठीक है। अच्छा अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी मेरी, कि बेस जो है दैट इज x माइनस टू, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3, तो मतलब x 3 नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते पहले, उसमें अगर 3 आया तो उसको हटा देंगे, नहीं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे को क्या करना है, बेसिकली वो x चाहिए जो कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन 2 को भी और कंडीशन 3 को भी, कोई भी चीज वायलेट नहीं हो रही, ऑल थ्री आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, उसका कॉमन पार्ट हम लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन लेने वाले हम इसके, केवल वही x निकालेंगे चूंकि जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसका भी इंटरसेक्शन लेना है, इसका इंटरसेक्शन मतलब एक्चुअली x नॉट इक्वल टू 3 मतलब क्या, वो r माइनस 3 एक्चुअली, सेट के फॉर्म में क्या बोलूंगा, r माइनस 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, अगर उसमें 3 आया तो उसको हटा देंगे, बिकॉज 3 पे क्या होगा, बेस 1 हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, अगर नहीं आया तो दैट इज माई आंसर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देखना क्या आएगा इंटरसेक्शन, इतना पार्ट आएगा, दिस इज 8 टू इन्फिनिटी, तो 8 कॉमा इन्फिनिटी। अब मेरे को इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना है, बट 3 तो इसमें है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है, दिस इज माई फाइनल आंसर। अगर इसमें 3 आता तो उसको मुझे रिमूव करना पड़ता, ठीक है ना, बिकॉज उस x इक्वल टू 3 पे क्या हो जाता, हमारा बेस 1 के बराबर हो जाता, बट इस सेट में 3 आया ही नहीं, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, उससे पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं डोमेन के, उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। चलो, लॉग ऑफ, चलो एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टू द बेस x माइनस 2। ठीक है, तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं भी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो पहला कंडीशन क्या था हमारा, आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, बेस ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, कि बेस दैट इज x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। इन तीनों से हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों को, उन तीनों का जो आंसर आएगा, उन तीनों का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर फॉर डोमेन, मतलब वही हमारा डोमेन होगा। तो पहले इसको देखते हैं, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। अब हम क्वाड्रेटिक वाले उस पर चले जाते हैं, स्टेप्स हमने क्या किया बोले थे। तो जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो सबसे पहले मेरा दिमाग में क्या आएगा, डी क्या है इसका, तो पहले हम डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी कितना आया, बी स्क्वायर माइनस टू का बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 ए सी 4 5 जो 20, तो ये तो आया हमारा माइनस 16 विच इज लेस देन 0। अब सुनना, डी लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब मैं क्या बताया था उधर तुम्हें, दिस इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज
क्या पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये पैराबोला क्या होता है, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। मैंने बोला अभी इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अभी आगे चैप्टर में करने वाला है क्वाड्रेटिक। अभी के लिए क्या बोलेंगे, अगर डी नेगेटिव है एक एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक एक्स का फंक्शन है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। और उसने क्या बोला है, एक्स निकालो। अब इसको सॉल्व करना मतलब क्या हुआ, एक्स निकालो जब ये पॉजिटिव आए, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा एक्स, कुछ भी डालूं इसमें मैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा आंसर क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या हो गया, आर, ऑल रियल नंबर्स। दोबारा सुनना क्या बोला मैं, इसके इसमें क्या मैंने बोला कि इसका डी क्या है, नेगेटिव, ए पॉजिटिव है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम क्या बोलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज पॉजिटिव। अब इसने बोला है कि ये ग्रेटर देन जीरो किस एक्स के लिए होगा, हमेशा ही होगा, हेंस एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर दिस पार्ट। अब हम आप मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड टू बहुत आसान है, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन टू, तो ये तो हो गया हमारा टू से इंफिनिटी। अच्छा तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू वन प्लस टू थ्री, ये हो गया। अब वो x निकालने जो इस तीनों को सेटिस्फाई करे, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं, वन और टू, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ये पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, टू ओपन से इन्फिनिटी, सॉरी टू ओपन से इन्फिनिटी, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस पार्ट। बट अभी मैं इसको फाइनल आंसर नहीं बोलूंगा, अरे ये इन्फिनिटी है, बट अभी मैं इसको आंसर नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा क्या इसमें 3 आ रहा है, अगर आ रहा है इस सेट के अंदर तो मैं इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज 3 इज नॉट अलाउड, क्यों, क्योंकि 3 रखने पे क्या हो रहा है, बेस 1 हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं 3 आ रहा है क्या, हाँ 3 तो आ रहा है, इसका मतलब मुझे इसमें रिमूव करना पड़ेगा, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 3, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2, 3 यूनियन 3, इन्फिनिटी, इधर दिस वे और दिस वे, बोथ आर करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये हो गया हमारा डोमेन के बारे में डिस्कशन। एक आध क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, उसको तुम ट्राई करना, और फिर हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ की तरफ, और पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। तो जो भी हमने अभी देखा डोमेन, ये बेसिकली बोल सकते हैं इनइक्वालिटी का ही पार्ट है, मतलब इसका सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू, अगर हमारा इनइक्वालिटी अच्छा होगा तो डोमेन वगैरह तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ की तरफ मूव करूंगा। तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ This is a complete base, ठीक है ना, x minus 1 upon x minus 3. Second is log of और base दे रखा है x, ठीक है। Third is एक मिनट ना, दिस इज माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक कम करो इसको, ऐसा डालो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो दीज थ्री विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस, इसको ट्राई करना, ठीक है ना, कल हम एक बार देख लेंगे इसका लेक्चर में इसका सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ लॉग में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो इसको कॉपी कर लो पॉज करके होमवर्क क्वेश्चंस को, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग में, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं पूरा खेल, मतलब पूरा जो गेम होगा लॉग में, दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ओनली। तो तुम एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। तो हम पढ़ने वाले हैं 9-10 प्रॉपर्टीज, और हर एक का डेरिवेशन, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन हम यहाँ देखेंगे भी, ठीक है, तो ध्यान देना। तो देखो पहले तो मैं वो लिख देता हूँ जो ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगा, जो मैंने बोला था लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग, तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज बेस आर्ग्यूमेंट को इधर लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ये बी उधर चला जाता है बी की पावर सी, ऐसे याद रखेंगे। तो पहला तो एज अ प्रॉपर्टी भी तुम इसको लिख सकते हो,
लॉग ए टू द बेस सी होता है, तो ए इज इक्वल टू बी की पावर सी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए। अब देखना क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट भी ए है और बेस भी ए है, मतलब आर्ग्यूमेंट एंड बेस आर सेम, तब क्या होगा ये आंसर। तो क्या करो, पहले एक बार खुद से सोचो और मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लॉग ए टू द बेस ए जो है, इसको चलो हम बेसिक डेफिनेशन से पहले देखते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली देखेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी, देखना सुनना ध्यान से सुनना, ये एक नंबर है, सुनना जो ब्लैक के अंदर लिखा है पूरा पार्ट, दैट इज अ नंबर। उस नंबर में क्या खासियत है, अगर उसको ए की पावर में लिखा तो मुझे ए मिल जाए। सुनना, ये एक ऐसा नंबर है जिसको ए की पावर में लिखा तो मुझे ए मिल जाए। तो ए की पावर में क्या लिखूं कि ए मिल जाए, वन, hence this is one। समझ में आया, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, log a to the base a को मैंने मान लिया, let's say k, फिर मैं क्या लिखूं, ये वाला प्रॉपर्टी से मैं एक्सपोनेंशियल में लिख रहा हूं, मतलब log को हटा रहा हूं, तो log को कैसे हटाते, ये वाला a तो मेरे को इधर कॉपी करना होता है, फिर ये बेस को उधर लेके जाता हूं और उसकी पावर में RHS आ जाता है k। तो a की पावर 1 is equal to a की पावर k, तो k कितना आया, 1। क्लियर हुआ, तो log a to the base a is 1, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है ना, अब आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, देखना लॉग ऑफ वन टू द बेस बी, मेरा बेस कुछ भी है, आर्ग्यूमेंट इज वन, ऑफकोर्स जो भी मैं ले रहा हूँ ए बी वगैरह, ऑफकोर्स डिफाइन तो होना चाहिए, ठीक है ना, बी कैन नॉट बी नेगेटिव हियर, बी कैन नॉट बी वन, ठीक है ना, हम उसके बात नहीं कर रहे, अभी मैं बोल रहा हूँ लॉग वन टू द बेस बी क्या होगा। तो एक बार खुद से सोचो, जस्ट वो बेसिक डेफिनेशन यूज करो लॉग की, कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको बी की पावर में लिखा तो वन मिल जाए। ठीक है ना, तो आई होप तुम लोग कर लोगे, क्या लिखेंगे, दिस इज जीरो। क्यों, देखो दोबारा पढ़ो, मैंने बोला कि ये एक ऐसा नंबर है, देखना ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर बी की पावर में लिखा, जिसको अगर बी की पावर में लिखा तो वन मिल जाए। तो बी की पावर में क्या लिखूं कि वन मिल जाए, बी की पावर जीरो, बिकॉज कोई भी रियल नंबर की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो बी की पावर जीरो इज वन, हेंस दिस इज जीरो। क्लियर है, चलो अब आते हैं फोर्थ वाले पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए ये प्रॉली प्रॉपर्टी का इंट्रोड्यूस करा सकता है वो क्वेश्चन में एग्जामिनर। क्या है, देखना ध्यान से, ए की पावर लॉग बी टू द बेस ए, क्या बोला मैंने, लॉग ए की पावर में लॉग बी टू द बेस ए। क्या है बेसिकली, जो बेस है ए की पावर में जो लॉग लिखा है, क्या देखना, उसका उसका बेस भी ए है और ये भी ए है। तो क्या करेंगे हम, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी। हम मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या बोलेंगे, ये पार्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो आंसर विल बी बी। दिस नॉट अ लॉजिक, लॉजिक तो मैं बोलने वाला हूँ बी आया कैसे, बट याद कैसे रखेंगे, ए की पावर में लॉग बी टू द बेस इज बी। जैसे कि मैंने लिखा टू की पावर में लॉग थ्री टू द बेस टू, कितना होगा, थ्री, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। याद कर रखना, बेस सेम होना चाहिए, जो लॉग का बेस है वही जो नीचे बेस है वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा log of 5 to the base 6 और ये लिखा 6 की पावर में, this is 5, ठीक है, चलो इसको और लिख लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेना, 1 2 एंड 3 जो मैंने लिखवाया। जैसे मैंने लिखा log of 36 6 36, क्या लिखा, 36 की पावर log 6 टू द बेस 36, बेसिकली अगेन 6 ओनली। तो कभी भी हम इस पार्ट को बोलेंगे ये कैंसिल कर रहा है दूसरे को, वी आर लेफ्ट आउट विद आर्ग्यूमेंट, जो log का आर्ग्यूमेंट है वो बच जाएगा, बाकी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, विल से लाइक दिस वे। अब आया कैसे, देखना इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगेन बेसिक डेफिनेशन से भी देखेंगे हम और एक मैथमेटिकल भी देखेंगे। देखना मैंने बोला a की पावर log b टू द बेस, मुझे ये लिखना है, ठीक है, तो फर्स्ट आई विल कंसंट्रेट ऑन log, उसको रीड करूंगा मैं बेसिक डेफिनेशन से। तो मैंने देखना अभी ए को भूल जाओ एक मिनट के लिए, जस्ट हाइड दिस ए, ए को मैंने हाइड किया, देखना ए को मैंने हाइड किया, अब मैं बोलूं इसको ये इसका इसको बेसिक डेफिनेशन से रीड करो, तो log b टू द बेस a एक ऐसा नंबर है, इस नंबर में क्या खासियत है, अगर उसको a की पावर में लिखा तो आई विल गेट b, दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। क्या दोबारा एक बार, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर व्हेन रेज्ड ऑन a will give us b, ठीक है, तो इस पूरे को अगर a पे पावर a की पावर में लिखा तो b मिल जाएगा, ठीक है, तो a की पावर में लिख दिया तो क्या मिलेगा, b, तो इंटरेस्टिंग है काफी,
ठीक है ना। दोबारा एक बार जिसको नहीं समझ में आया, मैंने बोला एक मिनट के लिए इस ए को भूल गए क्या लिखा है, मैंने बोला लॉग बी टू द बेस ए की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा नंबर है जिसको अगर ए की पावर में लिखा, बेस की पावर में लिखा, ठीक है। एक काम करो, कंफ्यूज अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ए ओ बी जैसे हम पुराना रेफर करते थे वैसे लिख लो। एक काम करो सुनो, दो मिनट, जैसे हो सकता है तुम लोगों को आदत हो तो इधर बी लिखो लॉग ऑफ ए फॉर आर्ग्यूमेंट बी फॉर बेस, ऐसे मान लो। तो मैंने ऐसे लिखा तो क्या बोलूंगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए। देखना आप बी को हाइड किया, फिर मैंने रीड किया लॉग ए टू द बेस बी, कैसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर बी की पावर में लिखा तो आई विल गेट ए, तो बी की पावर में लिखा ए मिल गया, क्लियर है। चलो अब इसको एक और मेथड से देखते हैं, मेथड मतलब मैथमेटिकली। ये तो क्या हमारा डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग्स है। अब मैंने बोला कि मान लिया मुझे लेट्स से दिस इज के, मुझे नहीं पता के क्या है। अब हम बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं, देखना ध्यान से। जैसे जब मैंने ऐसे लिखा था लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू बी की पावर सी है। अब इसको मैं उल्टा यूज करूंगा, ध्यान देना, जैसे कि मैंने कल बोला भी था हम प्रॉपर्टीज में उल्टा जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। तो देखना क्या है, जो बी की पावर में लिखा है, पावर में जो लिखा है वो तो एक साइड आ गया, और बेस तो अभी भी लॉग के लिए बेस रहेगा, और जो ए है वो क्या हो गया आर्ग्यूमेंट। तो उस चीज को मैं अगर इधर लगाऊं तो सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये पावर है बी का लॉग ए टू द बेस बी लिखा, एक मिनट के लिए इसको नंबर माना कोई तो सिंपली, लेट्स से दिस इज सी, एक मिनट के लिए मैं सी मान रहा हूं इसको। तो ये क्या लिखा है, बी की पावर सी इज इक्वल टू के, तो उसको मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ, देखो क्या होता है हमारा लॉग में बेस रहता है तो वो एक्सपोनेंट वाले में ही बेस ही रहता है, तो इधर हमारा बेस क्या है बी, तो इधर बेस तो बी ही रहने वाला है, ठीक है। फिर इधर जो आर एच एस में था, हाँ जो आर्ग्यूमेंट था वो एक साइड लिखते हैं, तो आई राइट इट, वो लॉग का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया लॉग ए टू द बेस बी, क्लियर समझ में आया। एक बार और देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, देखना दिस इज माय सी, अगर मैंने इसको सी बोला है कुछ नहीं किया, ये लॉग, जैसे लॉग से हम एक्सपोनेंट में जाते थे, अब एक्सपोनेंट से हम लॉग में जा रहे हैं, कैसे देखो दोबारा। अभी एक मिनट के लिए लॉग को दिमाग से निकाल दिया, ये लॉग नहीं, ये तक सिंपली सी लिखा है, तो मेरा इधर लिखा क्या है बी की पावर सी इज इक्वल टू के। अब मैंने बोला लॉग के टर्म्स में लिखो इसको, तो क्या लिखोगे तुम, इधर बेस है बी है तो लॉग में भी बेस तो बी रहेगा। फिर क्या होता है, जो आर एच एस होता है ये, सॉरी आर्ग्यूमेंट होता है ये आर एच एस, तो ये होता है, तो वो तो इधर लिखा, और ये क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, तो लॉग के टू द बेस बी इज इक्वल टू सी, वही मैंने इधर लिखा है, अब सी की जगह जो हमने माना था वो लिख दिया, क्लियर है। तो इसलिए मैंने उधर स्ट्रेस दिया था कि इधर से इधर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। याद कैसे रखेंगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, इस पार्ट का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, क्लियर है। चलो अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, दिस के शुड बी इक्वल टू ए, तो वही तो मेरा आया था ए, क्लियर है, क्लियर है। एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार और स्ट्रेस देता हूँ इस प्रॉपर्टी में, बिकॉज आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिल नाउ, अभी तक जो भी पढ़ा। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या किया अपन ने, बी की पावर में लॉग ए टू द बेस बी, देखना पहले तो मैंने बेसिक डेफिनेशन से बोला, बेसिक डेफिनेशन से बोला कि ठीक है कि दिस इज अ नंबर, ये एक नंबर है जिसको बी की पावर में लिखा तो आई शुड गेट ए, तो इसको बी की पावर में लिखा ए मिल गया, एक तरीका तो मैंने ये बोला। फिर मैथमेटिकली क्या बोला, लेट्स से दिस इज इक्वल टू के, अब बी की पावर में लिखा है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, अब एक मिनट के लिए ये नंबर मान लो ये कुछ तो सी है, अब हम वाला यूज कर रहे हैं रिवर्स वाला कि लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस इज इक्वल टू आर एच एस होता है, तो ये लिखा है बी की पावर सी इज इक्वल टू के, ऐसा लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ बेस तो इधर रहेगा, के इज इक्वल टू सी, उल्टा जाते थे हम लॉग में, जैसे मैंने एक्सपोनेंट से लॉग कन्वर्ट किया, अब सी को रख दो, सी तुमने किसको माना था, लॉग ए टू द बेस बी, तो मेरा दिख रहा है के किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, वही तो है के, ए के बराबर, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। तो एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, उसके बाद वी विल फिनिश अप विद दिस लेक्चर, दिस इज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगी। देखना, लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। क्या किया हमने, लॉग में आर्गुमेंट लिखा था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं सम फॉर्म में, बट हमें अलग अलग लॉग लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं दो मिनट में। देखो ये तीनों जो लॉग है ना, याद रखना इन तीनों का बेस सेम है, बेस इज सेम, तो हमें इस साइड से इस साइड भी जाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, या फिर वाइस वर्सा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके, फिर उसके बाद वी विल सी द प्रूफ। मैंने लिखा लॉग ऑफ लेट्स से 6 टू द बेस 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3, तो दिस इज लॉग 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 5 टू द बेस 5। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें इधर से इधर आना पड़ेगा, log 2 प्लस log 3 होगा, फिर हम देखेंगे क्या बेस सेम है दोनों का, हाँ तो हम इन दोनों को log को ऐड कर सकते हैं। log को ऐड कैसे करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज log ऑफ 2 इनटू 3 व्हिच इज log 6। क्लियर है, जैसे मैंने एक और लिख लेते हैं एग्जांपल, log वैसे मैंने लिखा log ऑफ 5 प्लस log 7, मैंने बोला ये क्या होगा, log ऑफ क्या होगा, और बेस मैंने सबका मान लो 2 बोल दिया, तो क्या करूंगा, log a प्लस log b कितना होता है, log ab, जैसे log b प्लस log c क्या होगा, log bc, बेस सेम रहेगा सबका, तो इधर बेस 2 है तो जो फाइनल log आएगा उसका बेस भी 2 रहेगा, बट इधर log एडिशन में तो इधर क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट 7 5 35, तो log 35 टू द बेस 2। क्लियर है, समझ में आया ना, तो बहुत ज्यादा यूज होगा हमारा ये। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, देखना ध्यान से, इस वाले पार्ट को तो मैंने मान लिया, लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, मैंने क्या बोला, लेट एक्स इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। ठीक है, अच्छा अब मैंने इस लॉग को हटाया, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, तो इधर से मेरा क्या आएगा, देखना इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन होगा, लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, इसको भी उल्टा करके लिख लेते हैं, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई। ध्यान दे रहा हूँ, इसको अब मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये b को मैं इधर कॉपी करूंगा, b इज इक्वल टू ए की पावर x, लॉग से बेस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली इसको किया तो c इज इक्वल टू ए की पावर y, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। लेट्स से चलो एक काम करते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब क्या करें, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, दिस प्लस दिस मतलब x प्लस y इसके बराबर चाहिए, तो इधर दिख रहा है मुझे bc प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब boc सेपरेटली आ रहा है, हम क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो bc आ जाएगा, फिर देखते हैं उसका लॉग ले लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, bc इज इक्वल टू a की पावर x इंटू a की पावर y। अब हम एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 4, जब भी पावर क्या होता है, प्रोडक्ट में होती है, तो क्या हो जाते हैं, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो हेयर ऑल्सो मैं क्या बोलता हूँ, a की पावर x इंटू a की पावर y क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस y। क्लियर हुआ, अब देखना ध्यान से, अब वो चीज काम आएगी, एक्सपोनेंट से लॉग में जाना, तो पहले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस y, यहाँ तक आ गया, चलो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है चलो। अब मैंने बोला क्या कि अब मेरे को लॉग लाना है, लॉग इंट्रोड्यूस करना है, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो अब लॉग में कैसे करते थे, एक बार रिकॉल करते हैं, क्या था हमारा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, इस फॉर्म में मैंने याद करने को बोला था, और ये होता क्या है, हमारा कन्वर्ट होके क्या था, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा मेरा, बी सी, इसके हिसाब से देखो एक तरफ बी सी, तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट कितना होगा, बी सी टू द बेस, बेस तो अभी क्या है, ए इज इक्वल टू आर एच एस, क्या सॉरी पावर में आर एच एस लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। क्लियर है, ठीक है ना, अगर नहीं भी है तो एक बार इसको रीड करना, दो तीन बार दिमाग में बिठाना, थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, ठीक है, कौन सा पार्ट, जब हम उल्टा जाते हैं मतलब एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट इसको मैं और भी आसान तरीके से अगले लेक्चर में लूंगा, हम उसको बोलते हैं एंटी लॉग, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, बट फॉर टाइमिंग अभी तो मैं इसका यूज करना है जो मैंने बताया है।
तो ये आ गया। अब मैं रख देता हूँ एक्स और वाई, मैंने किसको अज्यूम किया था, लॉग बी टू द बेस ए, तो ये हो गया मेरा लॉग बी टू द बेस ए, और वाई को मैंने क्या अज्यूम किया था, लॉग सी टू द बेस ए, सो लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, तो लॉग बी सी अप टू द बेस ए इज लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग सी टू द बेस ए, हैज प्रूव्ड। क्लियर हुआ बच्चों? चलो, तो अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो हमने आज क्या देखा, फाइव प्रॉपर्टीज देखी। अगर किसी को कोई डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। और ये वाला जो चैप्टर है, मैंने कल भी बोला था, जैसे ये वाला जो चैप्टर लॉग इंपॉर्टेंट है, प्लस ये फिजिक्स वगैरह में भी यूज होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ो। और अभी थोड़ा एक दो लेक्चर और होने दो, फिर मैं इस पे तुम लोगों को शीट देता हूँ, ठीक है। अभी अभी क्या करो, जो भी पढ़ाया गया पहले उसके ऊपर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।